तो हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा नया वीडियो आ गया है जो कि है कि AES क्या होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि DES क्या होता है। DES इसकी जो ये प्लेन टेक्स्ट होता है वो 64 बिट का होता है। इसमें जो साइज़ ऑफ की होती है वो भी 64 की बिट की होती है। और जो DES होता है वो ब्लॉक साइफर सिमेट्रिक एल्गोरिथम होता है। उसी के सिमिलर जो AES होता है, मतलब एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये भी सिमेट्रिक के ब्लॉक साइफर होता है। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है कि जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए इसमें सेम की का यूज़ होता है। और ब्लॉक साइफर का मतलब ये हुआ कि जो प्लेन टेक्स्ट को हम लोग ब्लॉक्स में प्रोसेस करते हैं। ओके, इसके बाद ये जो इस्टेब्लिश किया गया था ये 2001 में किया गया था NSIT के थ्रू, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। ये DES से ज़्यादा फास्टर होता है। ये इसमें जो ये जो ब्लॉक साइज़ होते हैं, इसके ब्लॉक साइज़ 128 बिट प्लेन टेक्स्ट होते हैं। ठीक है, हेयर ऑल्सो वी यूज़ अ की इन ईच एवरी राउंड। हम लोग यहाँ भी DES की तरह ही इसमें ईच एंड एवरी राउंड में कीज़ का यूज़ करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स 10 होते हैं। ब्लॉक साइज़, यहाँ पे ब्लॉक साइज़ जो होती है वो 128 बिट प्लेन टेक्स्ट की होती है, और जो नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं वो होते हैं 10। ओके, और यहाँ पे वी हैव टू यूज़ सब की फॉर एवरी राउंड। यहाँ पे हम लोग को हर राउंड के लिए सब की का यूज़ करना होता है। जो हमारे की साइज़ होती है वो होती है 128 बिट की। ठीक है, बट यहाँ पे जो की प्रोसेस होती है वो वर्ड के टर्म में होती है। ठीक है, वर्ड के टर्म में होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बट की इज़ प्रोसेस्ड इन टर्म ऑफ वर्ड्स, मतलब बाइट्स। यहाँ पे देखेंगे वन वर्ड्स मतलब 32 बिट। वन वर्ड का मतलब होता है 32 बिट। तो यहाँ पे की साइज़ क्या है, 128 बिट यहाँ पे की साइज़ है। तो अगर उसको हम लोग वर्ड्स में देखेंगे तो क्या होगा, 4 वर्ड्स होगी और 16 बाइट होगा। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब कीज़ क्या हो जाएंगी, 44 होंगी। 44 कैसे होंगी, तो 44 कैसे होंगी, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ राउंड्स कितने हैं, 10। ठीक है, नंबर ऑफ़ राउंड्स कितने हैं यहाँ पे, 10, एंड ईच राउंड यूज़ 4 सब कीज़। तो जितने भी राउंड्स होंगे वो सभी जो है 4 सब कीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो टोटल सब कीज़ कितनी हो गई, 10 4 40 सब कीज़ हो गई। ठीक है, अब ये जो इसमें मैंने बताया आपको 44 सब कीज़ का यूज़ हो रहा है, अभी तो हमारी केवल 40 सब कीज़ हुई। तो 4 कीज़ जो होती हैं तो ये हमारी स्टार्टिंग में दे रही है, मतलब जब हम लोग राउंड को, राउंड फंक्शन को स्टार्ट करते हैं तभी उसके पहले ही हम लोग 4 मोर कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगी कहाँ करते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि यहाँ पे जो ब्लॉक साइज़ होता है वो 128 बिट प्लेन टेक्स्ट का होता है, नंबर ऑफ राउंड्स 10 होते हैं, की साइज़ 128 बिट्स होती हैं, और यहाँ पे जो की होती है वो वर्ड के टर्म में प्रोसेस की जाती है। वन वर्ड इज इक्वल्स टू 32 बिट। ठीक है, वन वर्ड जो होता है वो 32 बिट होता है। यहाँ पे की साइज़ 128 बिट मैंने आपको बताया, तो 128 बिट मींस 4 वर्ड्स एंड 16 बाइट्स। उसको हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, 4 वर्ड्स कह सकते हैं या तो 16 बाइट कह सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सब कीज़ 44 सब कीज़ कैसे हुई, 10 राउंड्स, 4 सब कीज़ मीन्स 40 सब कीज़। देन 4 की जो 4 सब कीज़ बची उसे हम जो राउंड फंक्शन है उसको स्टार्ट करने से पहले ही उसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्री राउंड कैलकुलेशन हुआ मींस, मतलब हम लोग जो अभी करेंगे यहाँ पे, जैसे आप ब्लॉक डायग्राम में देखिएगा तो ये जो है यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग ऐड राउंड की किए, तो यहाँ पे हम लोग 4 वर्ड डालेंगे। ठीक है, मतलब 4 कीज़, मतलब 4 सब कीज़ डालेंगे, मींस जो हमारा वर्ड्स है, वर्ड्स क्या होता है, सबसे पहले तो वन वर्ड में 32 बिट होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि वन वर्ड में 32 बिट होती हैं, तो यहाँ पे जो की थी 128 बिट की थी मतलब 4 वर्ड्स। यहाँ पे एक्सपैंड की का यूज़ किया जा रहा है। एक्सपैंड की मतलब वो 128 बिट की जो इसमें जा रही है, मतलब 4 वर्ड्स में,
वो फोर फोर वर्ड्स सभी जो हमारे 10 राउंड्स होंगे उन सभी में जाएगी। बट यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में एक ऐड राउंड की का है। सबसे पहले हम लोग एक ऐड राउंड की करते हैं। यहाँ पे हम लोग 4 वर्ड्स देते हैं। कैसे? 0 1 2 3 यहाँ पे हमने दिया। अब जो हमारा सेकेंड राउंड जो हमारा फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा वहाँ पे हम देंगे 4 5 6 7। ओके, जो हमारा राउंड 3 होगा वहाँ पे हम देंगे 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ पे 8 to 11 यहाँ पे की हमारी यहाँ पे वर्ड्स के फॉर्म में जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या था, जो हमारा साइफर टेक्स्ट जो जनरेट होगा इन सब प्रोसेस के बाद वो होगा 128 बिट का। वही जो प्लेन टेक्स्ट था 128 बिट का, वैसे ही साइफर टेक्स्ट भी 128 बिट का यहाँ पे जनरेट हो जाएगा लास्ट में। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा कि प्लेन टेक्स्ट है 128 बिट का। ऐड राउंड की में हमारा केवल और केवल एक्सोर ऑपरेशन होगा। यह भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि कैसे होगा, एक्सप्लेन करके। यहाँ पे की को एक्सपेंड किया जा रहा है। ठीक है, की हमारी एक्सपेंड हुई, इधर के ज़ीरो आ रही है। यहाँ पे इधर हमारी के ज़ीरो आई। ठीक है, और ये मतलब वर्ड्स के फॉर्म में इधर आ रही है की, ये ऐड राउंड की। उसके बाद ये यहाँ के बाद इसके बाद जो हमारा ये आउटपुट निकला। ठीक है, ये हमारा स्टेट मैट्रिक्स होगा। इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आपको। 4 × 4 का स्टेट मैट्रिक्स होगा। ओके, तो जो ये 4 × 4 का स्टेट मैट्रिक्स होगा, जो आउटपुट आएगा वो जब इस जब सब बाइट्स में, जब मतलब जब राउंड 1 में एंटर करेगा, मींस सब बाइट में, राउंड 1 ये हो गया, ये हमारा सब बाइट हो गया। ठीक है, तो जब ये सब बाइट में एंटर करेगा तो ये कहलाएगा इनपुट एरे। ठीक है, 4 × 4 का होगा। ठीक है, इनपुट मैट्रिक्स होगा ये आपको मैं आगे बताऊंगी। अभी जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये हम लोग यहाँ पे इनपुट किए, उसके बाद इसमें कुछ प्रोसेस होगा, देन इधर हमारा स्टेट मैट्रिक्स आएगा। देन ये जो स्टेट मैट्रिक्स आया ये हमारा शिफ्ट रो में एक इनपुट की तरह जाएगा, और इससे हमारा एक स्टेट मैट्रिक्स निकलेगा जो कि मिक्स कॉलम में जाएगा। देन इससे हमारा एक स्टेट मैट्रिक्स निकलेगा जो जो ऐड राउंड की में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड राउंड की में क्या हो रहा है कि यहाँ से एक की दी जा रही है, K1, और वर्ड्स मीन्स K1 मतलब की दी जा रही है। उसको वर्ड्स में अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4 7 से W7 तक, मीन्स इधर हम लोग 4 वर्ड्स दिए, देन इधर हम लोग राउंड 1 में 4 4 वर्ड्स देंगे, देन राउंड 2 में हम लोग 4 वर्ड्स देंगे। इसी तरह से हम लोग 9 राउंड्स में 4 4 वर्ड्स देंगे, देन हम लोग राउंड 10 में 4 वर्ड्स देंगे, तो 43 तक हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और कि राउंड 1 से राउंड 9 तक सेम प्रोसेस चलेगा। सब प्रोसेस सभी में होंगे, बट इन द लास्ट राउंड हम लोग का एक प्रोसेस मिसिंग रहेगा। कौन सा रहेगा? मिक्स कॉलम। जो मिक्स कॉलम है ये हमारा लास्ट राउंड में नहीं होगा ये प्रोसेस। ओके, ये सिर्फ 9 राउंड तक होते हैं। 10th राउंड में कोई मिक्स कॉलम नहीं, इसमें सिर्फ 3 प्रोसेस होते हैं, और 1 to 9 में 4 प्रोसेस होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और देख लेते हैं कि AES क्यों ज़्यादा सिक्योर है। क्योंकि जो 128 बिट AES होता है वो डेटा की सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए और कॉन्फिडेंशियलिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। ठीक, और इसमें AES में कौन सा राउंड डिफरेंट होता है? तो यहाँ पे जो राउंड डिफरेंट होता है वो है 9 राउंड इसमें सिमिलर होते हैं, मतलब सब एक ही तरह से। इसमें जैसे आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि यहाँ पे 4 राउंड एक राउंड है, इसमें 4
सब प्रोसेस हैं वो सेम होंगे, बस लास्ट राउंड में एक कॉलम मिसिंग रहेगा, वो है मिक्स कॉलम। तो वही है लास्ट में कि यहाँ पे 9 सिमिलर राउंड्स हैं और लास्ट राउंड डिफरेंट है, लास्ट राउंड हमारा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, ई ई एस में 4 राउंड इन्वॉल्व होते हैं, सब्स्टिट्यूशन राइट, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम एंड एडिशन ऑफ राउंड की। ठीक है, ये हमारे 4 राउंड्स होते हैं, लास्ट में राउंड्स एक मिसिंग रहता है मिक्स कॉलम। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था AES का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम का प्रोसेस देखेंगे। थैंक यू।